हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम आपके करंट अफेयर डिस्कस करेंगे नाइन्थ ऑफ अक्टूबर से फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर के जो भी आपके वीकली करंट अफेयर लास्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं जी आपके आज के करंट अफेयर जो हम लास्ट वीक के थे चलिए जी सबसे पहली न्यूज़ लास्ट वीक की टास्क फोर्स टू मोनीटर चीता री इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ फॉर्मड नाइन मेंबर टास्क फोर्स टू मोनिटर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश आपको हमने ये लास्ट टाइम भी न्यूज़ चल रही थी कि क्या किया गया है जी जो आपको पता है कि चीता जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं नामीबिया से लाके तो उनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है इनके लिए इनको मॉनिटर करने के लिए क्या बनाई गई है एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके नाइन मेंबर्स हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वुड असिस्ट एंड फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ द चीता टास्क फोर्स जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो इस टास्क फोर्स को क्या करेगी फैसिलिटेट करेगी आपको मैंने कई बार लास्ट क्लासेज में बताया भी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये एक स्टैचूटरी अथॉरिटी है और दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर अगर हम इंडिया में बात करें तो कौन से ईयर में आया है 1973 में 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस हुआ था ये न्यूज़ क्या है जो चीता से इंट्रोड्यूस किए थे उनको उनके मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है और वो चीता कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए थे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश पुराने लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था अब वो वीडियोस देख सकते हो अभी सिंपल अभी टास्क फोर्स की ये बात है इंडिया यूएस लॉन्च न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी अभी इंडिया और यूएस की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई यूएस और इंडिया स्ट्रेटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया एंड यूएस लॉन्च अ न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स टू सपोर्ट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी नीडेड टू सपोर्ट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कुछ नहीं है बहुत ही बेसिक न्यूज है इंडिया और यूएस के बीच में क्या हुआ स्ट्रैटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हुआ है जो कि रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे दोनों देश रेन्यूएबल एनर्जी में नई नई इनोवेशन लेके आएंगे दोनों देश तो इंडिया और यूएस के बीच में ये हुआ है न्यू एनर्जी स्टोरेज टार्क टास्क फोर्स टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी तो बड़ा बेसिक सा है आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने किसके साथ एक नया एनर्जी स्टोरेज टार्क टास्क फोर्स बनाया है टू सपोर्ट द क्लीन एनर्जी तो आंसर क्या आएगा आपका यूएस आंसर आएगा जी यूएस वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम लॉन्चेस एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है फॉरम लॉन्चेस एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है इंडिया इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद यूएन एन यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो कि नाइनटीन में बनाया गया था यूनिसेफ के साथ मिलके 4.0 एजुकेशन 4.0 इनिशिएटिव लिया गया है डब्ल्यू के द्वारा एंड युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया युवा मतलब किसको कहा जाता है जो यंग पॉपुलेशन होती है सिंपल न्यूज है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्होंने क्या लॉन्च किया है एजुकेशन 4.0 इंडिया ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है किसके साथ यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप एंड युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया नेक्स्ट क्या है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन प्रोसेस इन इंडिया इज स्टिल फेसिंग स्वेयर चैलेंजेस एंड लैक ऑफ coordinated एफर्ट्स हैज़ रिजल्टेड इन एन आइसोलेटेड स्किलिंग सिस्टम जनरली कुछ नहीं है ये बोला गया है इंडिया में एजुकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि एजुकेशन कहाँ है कहाँ लेवल क्या है एजुकेशन का और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो इंडियन जो यूथ है जब वो एजुकेशन ले लेता है उसके बाद उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है तो उसके ऊपर ये सारी एक रिपोर्ट बनाई गई है आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा बेसिक सी चीजें हैं रिपोर्ट है तो रिपोर्ट पे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए विशाल शर्मा जी जो बैंकिंग अवेयरनेस है अगर आप लोगों के पास ब्राइट एकेडमी का एस एस है ऐप का तो उसके ऊपर इकोनॉमी के लेक्चर्स पड़े हैं दस से ग्यारह लेक्चर हैं मेरी वीडियोस हैं उसमें वो आप देख सकते हो वहां से वहां से आपको सारे इकोनॉमी के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे यू एन अडोप्ट न्यू कार्बन एमिशन गोल टू अचीव नेट जीरो फ्रॉम प्लेन्स बाई ट्वेंटी थर्टी क्या बात हुई है अभी जो ये हम न्यूज पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल एविएशन में काम करती है ठीक है जी कि प्लेन्स में जो पोल्यूशन कितना करते हैं उसको सारा देख रेख इनके कंट्रोल में होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन एविएशन सेक्टर को सारा ये कंट्रोल करते हैं 2050. बड़ा बेसिक सी एक चीज़ है, क्या है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव यह लिया है कि हम जो प्लेन से पॉल्यूशन होता है उसको 2050 तक हम क्या कर देंगे भाई नेट जीरो कर देंगे क्या कर देंगे नेट जीरो कर देंगे 2050 तक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि जितना पॉल्यूशन करते हैं उतना ही वो एब्जॉर्ब करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा नेट जीरो लास्ट वीक आपके करंट अफेयर में न्यूज चल रही थी कि इंडियन रेलवे ने बोला है कि हम नेट जीरो पॉल्यूशन करेंगे 2030 तक और आपको पता है मैंने बताया था कि पूरे इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशन वो टारगेट कब तक है ट्वेंटी सेवेंटी तक ठीक है जी तो ये बेसिक फ्यूल है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा ठीक है जी पोल्यूशन फ्री करना है धीरे धीरे तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने ये टारगेट लिया है ये वन लाइन ईयर में आपको क्वेश्चन आ सकता है समान था क्रिस्टोफेरिटी बिकम फर्स्ट यूरोपियन फीमेल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कमांडर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको सुना भी है हमने पहले भी कई बार पढ़ा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पांच देशों ने इसके लिए काम किया था नासा यूएस की स्पेस एजेंसी कनाडा स्पेस एजेंसी जापान स्पेस एजेंसी जक्सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रॉस्कोमोस रशिया की स्पेस एजेंसी इन पांच एजेंसीज़ ने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था कि जहाँ पे जाके एस्ट्रोनॉट्स रुक सकते हैं तो अभी पहली यूरोपियन फीमेल हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर बनी है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड वेल बींग ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स इन द ऑर्बिट जो ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे उनके उनकी परफॉर्मेंस या उनके नॉर्मली फॉर द परफॉर्मेंस एंड वेल बींग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स उनके लिए ये काम करेंगी कि वहाँ से एस्ट्रोनॉट्स अच्छा काम कर सकें या वहाँ पे बेहतर वो रुक सकें तो उनके लिए ये काम करेंगी वहाँ पे इनको कमांडर बनाया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की और ये पहली यूरोपियन फीमेल हैं जो बनी है मोनिका अगर आप लोगों ने ऐप का एस एस आपके पास है तो अगर आपने कोई कोर्स लिया होगा तो कोर्स के अंदर जो आपका स्टफ होगा वहाँ पे जीके के जो लेक्चर्स हैं हिस्ट्री के लेक्चर हैं पॉलिटिक के लेक्चर हैं अगर वो आपको शो हो रहे हैं तो इकोनॉमी के लेक्चर भी आपको शो हो रहे होंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे माइग्रेटरी बर्ड डे अक्टूबर एट आठ अक्टूबर को एक वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन बैग्ड कैंपेन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्वड अक्रॉस द ग्लोब ऑन सेकंड ऑकेजन ईच ईयर सेकंड सैटरडे इन मई, इन अक्टूबर टू रेज अवेयरनेस ऑफ माइग्रेटरी वर्ड्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू देयर कंजर्वेशन इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी वर्ड्स आगे आपको ये सारा नीचे लिखा हुआ है कि माइग्रेटरी वर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए क्या क्या करती है सरकार तो एक आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ बोन कन्वेंशन कौन सी कन्वेंशन है जी बोन कन्वेंशन आप लोग देख के आओगे जी क्या चीज है और इंडिया में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन अमूर फाल्कन ये इंडिया में आते हैं जी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं तो एक माइग्रेटरी बर्ड्स अभी मनाया गया है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया है अक्टूबर एट को ये बर्ड मनाया जाता है अक्टूबर एट को मनाया गया है वैसे अक्टूबर एट को नहीं होता ये सेकंड सैटरडे होता है मई में ठीक है जी और इन अक्टूबर जो सेकंड सैटरडे होगा अक्टूबर का उस दिन मनाया जाता है या सेकंड मई को मनाया जाता है ये जो सेकंड सैटरडे होता है मई का उस दिन मनाया जाता है या सेकंड सैटरडे होता है जो अक्टूबर का उस दिन मनाया जाता है तो इसलिए अक्टूबर एट को इसको मनाया गया इस बार इंडियन एयरफोर्स डे अक्टूबर एट इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है अक्टूबर एट ठीक है जी टू पेदर रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू अवर ब्रेव इंडियन फोर्स थीम क्या है ये वन लाइन लाइन न्यूज आप इसको देख सकते हो पेपर में इन न्यूज के क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं फिर भी इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है जी 8 अक्टूबर साउथ इंडियन बैंक एंटर्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर आप ये देख सकते हो इनको क्या बोला जाता है जो जनरली झूले होते हैं इनको ओंजल्स कहते हैं तो वहां पर ओंजल्स लगाए गए कितने वन हंड्रेड वन साउथ इंडियन बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैटेगरी इवेंट ओ निचरी कम एंजेलडम सेट टुगेदर एंड स्विंग जिसका मतलब है बाय स्ट्रेटजिक एंड स्विंगिंग 101 एंजल्स साइमल्टेनियसली एट मरीन ड्राइव इन कोची कहाँ पे किया गया ये मरीन ड्राइव इन कोची केरला में किया गया और ये अवार्ड अवार्ड दिया गया टू मुरली रामकृष्णन जो कि एमडी हैं और सीईओ हैं साउथ इंडियन बैंक के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स टीम प्रेजेंटेड द अवार्ड इन वर्ल्ड जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स टीम है उन्होंने एक अवार्ड भी दिया जो साउथ इंडियन बैंक के एम हैं और सी हैं उनको किसके लिए वन हंड्रेड वन जो उन्होंने एक ये वहाँ पे किया कोची में किया गया है मरीन ड्राइव इन कोची केरला शास्त्रा रामानुजन प्राइज फॉर 2022 आपको पहले पता कि रामानुजन जो हैं ठीक है जी इंडिया में इनका नाम किस लिए फेमस है एज अ मैथामेटिशियन तो मैथामेटिशियन प्राइज़ जो है वो रामानुजन प्राइज होता है शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ 2022 विल बी अवार्डेड टू यन किंग टैंग ऑफ चाइना असिस्टेंट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यू द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय शान मूगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी शास्त्रा जिनको बोलते हैं 2005 विद कैश प्राइस ऑफ यूएसडी 10,000 डॉलर इट इज प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल्स उनको दिया जाता है जिनकी एज 32 या 32 से कम है जो कि जिनका मैथामेटिक्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ठीक है जी और किससे इन्फ्लुएंस होकर दिया जाता है ये श्रीनिवासा रामानुजन उनसे इन्फ्लुएंस होकर मतलब श्रीनिवास जो रामानुजन थे 1887 के दौर में इनका जन्म होता है तो इन्होंने काफ़ी काम किया है मैथामेटिक्स के लिए तो मैथामेटिक्स का जो ये अवार्ड है रामानुजन प्राइज ये मैथमेटिक्स में अवार्ड दिया जाता है तो शास्त्रा जो अवार्ड है ये शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी अवार्ड देती है जो लोग मैथामेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं दो हजार बाईस इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो हुई है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन जो ये हुई है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई है कौला मलेशिया इट वाज द हिज ट्वेंटी फिफ्थ गोल्ड मेडल इंडिया लीडिंग जो इंडिया के प्लेयर हैं पंकज अडवानी इट वाज हिज फि ट्वेंटी फिफ्थ गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल लेवल ये इंडिया के प्लेयर हैं स्नूकर और इस चीज़ के ठीक है जी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने अभी जीता जो ये कौला में हुआ ही आउट क्लास ट सौरभ कोठारी जीरो द वन फिफ्टी अप बिलियर्ड फाइनल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कहां पे हुई है जी कौलामपुर मलेशिया और इसको किसने इसमें गोल्ड मेडल जीता है नाम है पंकज अडवाणी है पंकज अडवाणी अस्ताना ओपन टेनिस नोवक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं उन्होंने नाइनटीएथ एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टाइटल जीता है बाई डिफीटिंग स्टेफनोस टिस्टप जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं अस्ताना ओपन अस्ताना आपको पता है जी कजाकिस्तान में है अगर आपसे पूछ लेगा कि जो अस्ताना टेनिस कंपटीशन हुआ वो किसने जीता है नाम आएगा जी नोवोक जोकोविक विद दिस विन ही ज्वाइन द रफेल नडाल एंड फेडरर इन द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स इन ओपन एरा विद नाइनटी और मोर एटीपी टाइटल्स ये जीत के बाद इनका नाम भी ऐड हो गया है किसके साथ रफेल नडाल और फेडरर के साथ जिन्होंने 90 या उससे ज्यादा एटीपी टाइटल जीते हैं मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टाइटल्स जीते हैं इनका नाम भी आ गया है। पहले कौन थे रफेल नडाल और फेडरर द लेजेंडरी जिमी कॉर्नर्स कंटिन्यूस टू डोमिनेट दिस्ट विद हिस्टैली ऑफ वन हंड्रेड नाइन टाइटल्स सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास है जिमी कॉर्नर्स जिनके पास एक सौ नौ टाइटल हैं फॉलोड बाई रॉजर फेडरर वन हंड्रेड थ्री एंड इवान लेडल इनके पास कितने नाइनटी फोर जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप रेड बुल को जो रिप्रेजेंट करते हैं मैक्स वैट्समैन जो कि बेल्जियन डच एक रेसिंग ड्राइवर है उन्होंने इसको जीता जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स आपको मैंने पहले भी बहुत बार ये बात बताई है मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको अगर याद हो तो अभी पीछे सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स हुआ था लास्ट वीक उसको सर्जियो पेरेज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेकरेक ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को कार्लोस सेन्स ने जीता है बाकी मैंने आपको बोला था किसने जीते हैं जी मैक्स वैट्सपैन बाकी किसने जीते हैं मैक्स वैट्सपैन ब्रिटिश कार्लोस सेन्स ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया चार्ल्स लेकरेक ने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है बाकियों को मैक्स वैट्सपैन ने जीता है ये मैं बार बार बातें बोलता हूँ क्योंकि ये याद रखना मुश्किल है ठीक है जी आपको वो याद रखने हैं जो मैक्स बैट्समैन ने नहीं जीते फॉर्मर यूपी सीएम मुलायम सिंह यादव पास हो आपने सुना होगा न्यूज इनकी डेथ हो गई है जी मुलायम सिंह यादव की इनको नेताजी भी कहा जाता था ठीक है जी वैसे ही रिस्पेक्टेड लीडर्स इन हिंदी बाय पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स जो पार्टी लीडर्स और वर्कर्स इनको नेताजी के नाम से जानते थे he also served as a Union Minister of defense from 1996 to 1998. Clear aapne suna hoga आपने सुना होगा इनके बारे में अभी इनकी recently हुई है World Mental health day october 10 yaad rakhne ki याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा वर्ल्ड पोस्ट डे नाइन्थ अक्टूबर को मनाया जाता है पोस्ट फॉर प्लेनेट और आपको पता है इंडिया में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस या पोस्ट के लिए काम करना किस वाइसरॉय ने शुरू किया है जल्दी से आंसर दीजिए इंडिया में सबसे पहले प्लीज जल्दी आंसर दीजिए जी किसने ये सर्विसेज इंडिया में शुरू की थी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे कौन सा वाइस रॉय जिसने इस पे काम किया आंसर दीजिए प्लीज नाम क्या है लॉर्ड डलहौजी क्या नाम है जी लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी वो थे वाइस रॉय या आप कह सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिन्होंने काम किया किसके लिए जी पोस्ट ऑफिसिस को या रेलवेज के लिए लॉर्ड डलहौजी नाम आएगा गुड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी इंडिया की अगर बात करें पोस्ट की पोस्ट ऑफिस की टेलीमानस इनिशिएटिव लॉन्च ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अभी आपने पढ़ा कि पीछे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे तो क्या किया गया है गवर्नर ऑफ कर्नाटका वर्चुअली लॉन्च द टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट टेलीमानस इनिशिएटिव ऑन अक्टूबर टेन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कर्नाटका के गवर्नर ने वहाँ पे टेली मैनस एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर इसमें क्या होगा 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ केयर सर्विस दी जाएगी थ्रू आउट द इंडिया विद द फोकस ऑन पीपल हु लिव इन रिमोट और अंडर सर्वड एरियाज तो ऑल ओवर इंडिया कर्नाटका के गवर्नर ने ठीक है जी अभी ये वर्चुअली इसको लॉन्च किया है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्क नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स टेली मानस के अंदर क्या चीज़ आती है कि जो लोग मेंटली अपसेट है उनके लिए 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विस अवेलेबल कराई है थ्रू आउट द इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है अभी कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है रिसेंटली इट वॉज लॉन्चड एट अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इन बेंगलुरु कर्नाटका और इसकी सर्विंग एजेंसी कौन सी है नमास इंडिया फर्स्ट फीफा इनिशिएटेड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च इन ओडिशा नवीन पटनायक जो कि सीएम हैं ओडिशा के इन्होंने फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव लिया है किसके लिए टू सपोर्ट अमंग स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिशिया ओडिशा में स्कूल के स्कूल चिल्ड्रन के लिए फुटबॉल in को प्रमोट करने के लिए इनिशियेटिव लिया गया है फुटबॉल फॉर ऑल दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट सच प्रोग्राम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इंडिया इंडिया फर्स्ट फीफा इंडिया में पहला जो इंटरनेशनल फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल उनका इंडिया में पहला इनिशिएटिव फुटबॉल फॉर ऑल कहाँ लॉन्च किया गया है ओडिशा में जहाँ स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा कौन सी गेम के लिए फुटबॉल के लिए द फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई फीफा इन पार्टनरशिप विद केलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फीफा ने अभी रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट और किस यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है किसके लिए फुटबॉल फॉर ऑल कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इनके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है और लिया कहाँ पे है ओडिशा में आपको पता है कि ओडिशा विल होस्ट फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन वर्ल्ड कप दो इन अक्टूबर 2022 की ओडिशा क्या करने जा रहा है अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप है ठीक है जी फुटबॉल वर्ल्ड कप वो ओडिशा होस्ट करने जा रहा है 2022 में इसलिए ओडिशा में ये इनिशिएटिव लिया गया है फुटबॉल फॉर ऑल आरबीआई कैंसल लाइसेंस फॉर सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक ऑफ पुणे नहीं आपने पढ़ना काफ़ी बार आपको पता है आर बहुत सारे बैंक्स को लाइसेंस केंस कर कैंसिल कर रही है कॉपरेटिव बैंक के बैंकों को रेगुलेट करना यह आर के हाथ है और आर उनको रेगुलेट करता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये एक्ट कौन से ईयर में आया 1949 और आपको ये भी बात पता है कि अगर कोई बैंक फेल हो जाता है या बैंक करप्ट हो जाता है तो हर अकाउंट की एक, एक इंश्योरेंस होती है जिसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसके लिए जो एक्ट आया था वो कब आया था नाइनटीन में और आपको ये पता होगा कि क्या है कि अगर किसी का मान लो कोई बैंक फेल हो गया या जो लोगों के वहाँ पे अकाउंट है जिनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं तो पाँच लाख तक की उनको क्या की जाती है इंश्योरेंस की जाती है कि उनको वो पैसा मिलेगा ये कौन करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्लियर है ये चीज़ तो अभी अगर आरबीआई किसी का लाइसेंस कैंसिल कर रहा है तो कुछ कर रहा है तो वहां पर डी आई होता है 2022 हजार बाईस नोबल प्राइज अब अगर हम नोबल प्राइज की बात करें जी तो आप लोगों को पता होगा कि नोबेल प्राइज जो होते हैं सबसे पहले इनकी जो शुरुआत हुई वो 1901, 1901 में नोबल प्राइज की शुरुआत हुई ठीक है जी प्राइज जो दिए जाते हैं पांच अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं अगर आपको पता हो कोई बता सकता है जी कौन कौन से पांच फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है जल्दी से आंसर दीजिए आंसर दीजिए आंसर दीजिए प्लीज कौन सी फाइव कैटेगरीज में नॉबल प्राइज मिलते हैं नाइनटीन जीरो वन में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई और आपको पता है कि पांच कैटेगरीज है जिनमें दिया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी और मेडिसिन जिसको बोलते हैं उसके बाद लिटरेचर और एक होता है आपका पीस ये पांच हैं जिनमें दिया जाता है जी ये इन पांच फील्ड्स में आपका दिया जाता है आप लोग मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा है देखो बाकी सारे प्राइज जो हैं बाकी सारे प्राइज जो हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं स्वीडन स्वीडन में दिए जाते हैं एक प्राइज है जो नॉर्वे में दिया जाता है वो कौन सा है ये पांचों में से चार प्राइज हैं जो स्वीडन में होते हैं और एक होता है नॉर्वे में वो कौन सा है प्लीज जल्दी आंसर दीजिए हाँ जी शुक्रिया जी मनी शुक्रिया आप मुझे पता लगा है कि जो भी करंट अफेयर सब इंस्पेक्टर वगैरह या और भी एग्जाम्स में आ रहे हैं वो क्लास में हमारे डिस्कस किए हुए थे ठीक है जनरली अगर लोगों को लगता है कि वो करंट अफेयर क्लास में से नहीं आए ठीक है अभी एक बार पेपर आने दीजिए सब इंस्पेक्टर का या कोई और भी एग्जाम अगर आप देखो तो आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे कि कौन से न्यूज़ में कब कौन सी न्यूज़ थी और कौन से वीक की न्यूज़ थी सारे पेपरों में एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन तो अगर आप कोई एक सोर्स करो यार कोई एक सोर्स करो उसको ढंग से करो चार चीजें अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो हां एक बात है एक जगह से कर लिया देखो कि मेरा कुछ रह तो नहीं गया एक सोर्स कोई और कर लो चार चार पांच पांच सोर्स करने का कोई फायदा नहीं है एक ही जगह ढंग से करोगे आपका पेपर उसी से क्लियर हो जाएगा तो भाई पांच फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है और जो पीस प्राइज मिलता है नोबेल पीस प्राइज ये कहां होता है नॉर्वे में ये कहां से दिया जाता है नॉर्वे बाकी सारा स्वीडन क्लियर होगी ये चीज दिसंबर टेन वो थी जब पहली बार नोबल प्राइज दिया गया दिसंबर टेन नाइनटीन जीरो नाइन पाँच साल डेथ के बाद एल्फ्रेड नॉबल की पाँच साल डेथ के बाद एटीन नाइन्टी सिक्स में डेथ हुई उसके पाँच साल बाद नाइनटीन जीरो वन में पहली बार ये नोबल प्राइज़ दिए गए ठीक है जी नोबल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन फोर्टीन लोगों को अभी इस बार नोबल प्राइज़ मिला है उनका मैन काइंड की मतलब एल्फ्रेड नोबल के नाम पर यह दिया जाता है क्योंकि उन्होंने क्या इन्वेंट किया था Dynamite. Dynamite को उन्होंने इन्वेंट किया था अब आगे देख लेते हैं जी तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अगर हाँ जी एक चीज और आप लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हमें सर ट्रिक से याद होंगे नोबेल प्राइज तो सर ने महाजन सर ने इसकी ट्रिक बना रखी है आप लोग वो ट्रिक भी देख सकते हो ठीक है जी कि नोबेल प्राइज किस फील्ड में किस किस को मिला है वो अगर आपको ट्रिक जाननी है तो महाजन सर की वीडियो आप वहां से देख सकते हो फिजिक्स में नोबेल प्राइज इनको मिले हैं जी एलैन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटन जैलेंजर इनको मिला है फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंजल्ड फोटॉन्स एस्टेब्लिश द वायलेशन ऑफ बेल इन इक्वालिटीज एंड पाइनरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइज इस फील्ड में इनको मिला है नेक्स्ट है आपका थ्री पीपल बैग नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इंक्लूडिंग वन सेकेंड टाइम विनर कारोलिन बैटोजी मॉटन मेल्डार्ड एंड के बेरी शार्पलेस इनको केमिस्ट्री में मिला है जी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2022 एनी एरनोक्स फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स द रूट्स एंट्रेंचमेंट्स एंड कोलेक्टिव रजिस्टेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी द स्वीडिश अकेडमी द नोबल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन स्वान्टे पाबो इनको मिला है जी नोबल पीस प्राइज ये मिला है एलेस बेलाट्सकी मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ठीक है जी ये आप देख सकते हो तो इनको ये नॉबल प्राइज़ दिए गए हैं आप फोटो लेके रख सकते हो मैं दोबारा से एक बार कर देता हूँ ये फिजिक्स ये आपका केमिस्ट्री ये आपका लिटरेचर और साइकोलॉजी और ये आपका पीस प्राइज इकोनॉमिक साइंस एंड मेमोरी ऑफ एल्फर्ड नोबल 2022 ये नाम लिखे हुए हैं जी किन किन को मिला है वो मैंने पीछे आपको फोटोज दिखाई थी तो आप ये देख सकते हो ये डाटा आपको काम आएगा आपके एग्जाम के लिए न्यू चीफ जस्टिस फॉर राजस्थान कर्नाटका एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ये चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं सबसे पहला तो आपको यह जानना होगा कि जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो जज अपॉइंट कौन करता है जी प्रेसिडेंट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या वो हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ही हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जो अपॉइंट किए जाते हैं वो आर्टिकल है आर्टिकल वन टू फोर एक सौ चौबीस और जो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं वो आर्टिकल है टू हंड्रेड सेवनटीन क्लॉज वन आर्टिकल टू हंड्रेड सेवनटीन के अंदर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा सुप्रीम कोर्ट में वन ट्वेंटी फोर आर्टिकल हाई कोर्ट में टू हंड्रेड सेवनटीन क्लॉज वन आर्टिकल जजिस की अपॉइंटमेंट कौन करता है जी प्रेजिडेंट आप देख सकते हो किन किन को लगाया गया है जी पंकज मिथाई मिथाल एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस प्रसाना बी वरल एज द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका अली मोहम्मद मागरे एज द चीफ जस्टिस ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख हाईकोर्ट अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कि संविधान की कौन सी अमेंडमेंट है जिसके अंदर बोला गया है कि दो राज्यों की सेम हाईकोर्ट हो सकती है जैसे पंजाब और हरियाणा की सेम हाईकोर्ट है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट यह संविधान का कौन सी अमेंडमेंट के अंदर अलाउ किया गया कौन सी अमेंडमेंट थी वो जल्दी आंसर दीजिए आंसर प्लीज यस क्या आंसर है जी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन

और उसके बाद जो सेबी एक्ट आया एस ई बी आई जो एक्ट आया ये 1992 में आया मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसको स्टैचुटरी स्टेटस कब मिला है 1992 में कोई भी बॉडी जब वो किसी एक्ट के अंदर बनती है तो उसको क्या कहते हैं स्टैचुटरी बॉडी पहले सेबी बना 1988 में फिर इसका एक्ट आया 1992 में न्यू सीईओ ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया विनायक गोडसे को लगाया गया है एज अ न्यू सीईओ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल हरमनप्रीत कौर बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिंच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर का अवार्ड कौन सी वुमेन क्रिकेटर को दिया है हरमनप्रीत कौर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अक्टूबर इलेवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम रिवाइज अगर आप लोगों ने पहले स्कीम के बारे में सुना है ये स्कीम पानीपत से लॉन्च की गई थी हरियाणा से 2015 में क्योंकि पहले न्यूज़ में क्या था उस टाइम पे कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड अगर हम वो एक देखते थे कैलकुलेट करते थे कि सेक्स चाइल्ड रेशियो जो है जो सेक्स रेशो जो है वो सबसे कम कहाँ की पाई जाती थी हरियाणा की जो पुराना डाटा है इसलिए ये स्कीम को लॉन्च करने के लिए सरकार ने क्या चुना था हरियाणा चुना था पानीपत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में ये स्कीम चलाई गई थी अब उसको सरकार ने क्या किया है रिवाइज किया है गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज बीन रिवाइज एंड इंक्लूडेड मैनी इनिशिएटिव लाइक स्किलिंग गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शन Increasing their enrollment in secondary education, raising awareness about menstrual hygiene, and promoting the elimination of child marriages. Matlab is a scheme under. अब गर्ल्स को स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके से वो काम करती थी घर पे सिलाई सीखती थी या कुछ करती थी कि वो तो उनका ट्रेडिशनल तरीका हो गया पैसे कमाने का लाइवलीहुड तो नॉन ट्रेडिशनल तरीके उनको सिखाए जाएंगे जो और भी जिससे वो अपना स्किल प्रोवाइड किए जाएँ पैसे कमा सकें उनको एनरोलमेंट दिलवाया जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन में उनको अवेयर किया जाएगा मेस्ट्रोअल हाइजीन के बारे में और एलिमिनेट किया जाएगा जो चाइल्ड मैरिजेज होती हैं द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यह स्कीम को दोबारा से इम्प्लीमेंट रिवाइज़ किया है इट इज़ अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसा क्यों एक तो पहला है कि हमने चाइल्ड मैरिज को या जो बच्चियाँ जो मारी जा रही हैं उनको बचाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें काम करेगी दूसरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री काम करेगी क्यों क्योंकि उनको अवेयर करना है उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या काम है मतलब एजुकेशन का क्योंकि उनकी एनरोलमेंट करनी है सेकेंडरी एजुकेशन में ताकि वो बच्चियां और पढ़ें तो इसके लिए ये सभी मिनिस्ट्रीज इसमें काम कर रही हैं क्लियर एवरी अच्छा बताओ किस स्टेट की सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है जल्दी आंसर दीजिए जी, 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 जी इंडिया में किस स्टेट की सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो है आंसर दीजिए जल्दी यस yes, आंसर क्या आएगा केरला केरला में क्या है वन जीरो एट फोर एक हज़ार मेल के पीछे एक हज़ार वन जीरो एट फोर फीमेल हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ की है केरला की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग और उस टाइम पे हरियाणा में कितनी थी 877 अभी तो चलो इंप्रूवमेंट हो रही है हरियाणा में वैसे स्टेट्स की बात करें तब हरियाणा आता है अगर हम यूटीज भी ऐड कर लेना दमन एंड दीव में बड़ी कम थी दमन एंड दीव की काफी कम है चलिए जी आगे देखते हैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन रिकोगनाइज इंडिपेंडेंस फॉर टू मोर यूक्रेन रीजन्स अब क्या किया है आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का जो भी मुद्दा है आपने सुना होगा ठीक है तो रशिया के प्रेसिडेंट ने पुतिन ने क्या रिकॉग्नाइज़ किया है इंडिपेंडेंस फॉर टू मोर यूक्रेन रीजन्स की जो यूक्रेन रीजन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए तो इसके लिए ये बात हुई है एक मिनट वेट करिएगा प्लीज जो यूक्रेन रीजन है इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है मतलब इसके लिए सॉरी इनिशिएटिव नहीं लिया गया रशिया ने बोला है कि कुछ और रीजंस हैं यूक्रेन में जिनको आप क्या करो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो एक मिनट यहाँ पर मैं आपको प्लीज सर्च कर देता हूँ वो चीज़ तो आप ये देख सकते हो क्योंकि यह बार बार पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है जी तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है आप यह फोटो अगर आपको क्लियर हो रही है वेट करना थोड़ी सी आप यहां पे देख सकते हो प्लीज तो यूक्रेन के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं जैसे बेलारूस है पोलैंड है यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ चलिए देख लेते हैं एक बार ये आपको थोड़ी सी यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख सकते हो ठीक है जी मैं आपको हंगरी और, और यहां पे है रोमानिया और, और मालोवा और साथ में है ये रशिया तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है जिनके मैंने नाम आप प्लीज उनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर ये पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि यूक्रेन अभी एच का एग्जाम हुआ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हुआ तो उसने वही पूछा और हमने कितनी क्लास में डिस्कस किया है कि यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज बेलारूस ऊपर साथ में यहाँ पे पोलैंड और यहाँ पे स्लोवाकिया नीचे हंगरी और नीचे रोमानिया और साथ में मोलडो और यहाँ है रशिया क्लियर है अगर नहीं दिख रहा तो आपने मैंने जो नाम बोले आप उनको प्लीज़ याद रखिएगा और ये जो रीज़न्स हैं जो यूक्रेन जो ये आपको बीच में यूक्रेन दिख रहा है यहां पे जो ये नीचे रीजन है यहां पे एरियाज हैं, जिसको रशिया कहता है कि इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाए अगर हम यहां पे देखें न्यूज में क्या लिखा है जो यूक्रेन जो ऐसा है यूक्रेन जो ये है यहां पे यूक्रेन के दो रीजन पड़ते हैं लोहानस एंड डोन इसको तो रशिया बहुत पहले से कह रहा है कि भाई इनको इंडिपेंडेंट करो रशिया रीजन है इसको भी वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो ये भी आपके साथ नहीं रहना चाहते जैसे ही यहां पेनिनसुला था पहले क्रीमिया पेनिनसुला जिसको रशिया ने बोला था कि ये हमारा पार्ट है दो से रशिया इसको अपना पार्ट मानता है क्रीमिया पेनसोला ऐसे ही रशिया कहता है कि लोहानस और डोनेस्क ये भी आपसे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और जो ये दो और एरियाज हैं खैरसोन एंड जैपोर्सिया ये भी आपसे अलग होना चाहते हैं तो ये यूक्रेन के साथ अभी जो चाइना रशिया का मुद्दा चल रहा है उसमें ये नई चीज आई है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन रिकॉग्नाइज रशियन प्रेसिडेंट ने इन दो एरिया को रिकॉग्नाइज कर दिया कि आप आजाद हो रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट फॉर टू मोर यूक्रेन रीजन वो कौन से खेरसोन एंड जैपोरजिया ये इनको भी बोल दिया कि आप इंडिपेंडेंट हो रिकॉग्नाइज कर दिया रशिया कहता है ये भी एक अलग है यूक्रेन का पार्ट नहीं है पहले उन्होंने किसको किया था लोहांस एंड डोनेस्को और क्रीमिया तो उन्होंने अपने अंडर ही ले रखा है 2014 से यूक्रेन वाला जो एरिया है तो भाई यूक्रेन का आप वर्ल्ड मैप देखना आपको क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं हिमाचल एच में अभी क्वेश्चन आया पीछे दो ये लास्ट संडे कि यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में बताओ तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में कई बार ये डिस्कस किया है तो प्लीज भूलिएगा मत कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स रैंक 123 ग्लोबली अभी क्या हुआ है एक सी आर आई इंडेक्स आया कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स इसका फोर्थ एडिशन था इंडिया हैज क्लाइम्ड सिक्स प्लेसेज टू वन ट्वेंटी थ्री लास्ट टाइम इंडिया का रैंक था वन ट्वेंटी नाइन मतलब इंडिया ने सिक्स रैंक इंप्रूवमेंट की है आउट ऑफ वन सिक्स फॉर रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी जो इनकम इनक्वालिटी होती है या कोई भी चीजों को लेकर उसको इंडिया थोड़ा सा बेटर इंडिया ने करना शुरू किया है सीआरआईन बिटवीन डेवलपमेंट फाइनांस इंटरनेशनल एंड ऑक्सफाम इंटरनेशनल यह दोनों बॉडीज ये इंडेक्स रिलीज करती है और दो हजार बाईस का इंडेक्स में टॉप किसने किया है नॉर्वे फॉलोड बाई जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया आप यह देख सकते हो ठीक है जी कि इंडिया का रैंक आपको आइडिया हो गया होगा बांग्लादेश का ओवरऑल रैंकिंग है 107, इंडिया का रैंक है 123। ये आप देख सकते हो डाटा जी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स इट एनालाइज 161 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस। हाउ साउथ एशियन कंट्रीज रैंक्ड ग्लोबली मालदीव्स का फोर्टी है बांग्लादेश का 107 श्रीलंका का 111 हंड्रेड नेपाल का 112 भूटान 116 इंडिया 123 पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इंडिया से पीछे है बांग्लादेश ओवरऑल रैंकिंग में इन सबसे आगे है अगर आप देख सकते हो जो जो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं रैंकिंग ऑन थ्री पिलर्स पब्लिक सर्विस स्पेंडिंग कि लोगों पे पब्लिक सर्विसेज जैसे कोई भी सरकार की स्कीम्स है उस पर कितना स्पेंडिंग हो रही है टैक्स प्रोग्रेस प्रोग्रेसिविटी कितनी है टैक्स कितना इकट्ठा किया जा रहा है लेबर राइट्स एंड वेजेस इसमें रैंक क्या है तो अलग अलग रैंक है इसमें वन थर्टी सिक्स इसमें फोर्टी सेवन इसमें वन हंड्रेड फर्स्ट मतलब जो टैक्स प्रोग्रेसिविस्ट है उसमें इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तीन पिलर्स तीन पिलर्स के ऊपर ये इंडेक्स जारी होता है और इसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकियों में अगर देखो तो इंडिया का रैंक इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए ओवरऑल इंडिया का रैंक क्या बना है जी वन ट्वेंटी थर्ड क्या रैंक बना है इंडिया का वन ट्वेंटी थर्ड आरबीआई रेजिज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू रुपीज तीन सौ करोड़ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ए आर सी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं आपने कभी एक कंसेप्ट सुना होगा बैड बैंक्स जो बैड बैंक्स छोड़िए या जो भी आपका कोई भी बैंक्स होते हैं उनका कई बार क्या होता है कि लोग उनका पैसा वापिस नहीं करते तो जो बैंक ने पैसा दिया होता है तो वो उनका क्या बन जाता है एन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसकी डेफिनेशन भी मैं पहले करवा चुका हूं कभी आगे आएगा तो दोबारा बताऊंगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो जब किसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं तो उस बैंक की जो बुक होती है ठीक है जहां उस बैंक के बारे में पता लगता है कि इस बैंक की कंडीशन क्या है तो वहां लोग अपना पैसा लगाने से डरते हैं कि कल को अगर हमारा पैसा भी किसी ने ले लिया और वापस ना किया बैंक का तो हम क्या करेंगे तो उन बुक्स को क्लीन करने के लिए कुछ कंपनीज होती हैं जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ये क्या करती हैं जो एनपीएस होते हैं या जो बैड लोन्स होते हैं उनको ये खरीद लेती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और ये फिर क्या करती हैं? खुद मार्केट से पैसा वो लेती हैं निकलवाती हैं किसी भी तरह और या उन एसेट्स को बेचती हैं जो बैंक के पास पड़े होते हैं जो बैंक के पास वो कोई भी पड़ा होता है गिरवी रखा होता तो है उनको बेचते हैं पैसा पूरा करते हैं ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं जो पैसे को रिकन्स्ट्रक्ट करती हैं बट अब आर ने बोला है कि कोई भी कंपनी अगर एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी बनना चाहती है तो उसकी मिनिमम जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए तीन करोड़ मिनिमम 300 करोड़ होनी चाहिए तभी वो अपनी एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी चला सकते हैं एन आई पी एल to विद वर्ल्ड लाइन टू फैसिलिटेट यूपीआई पेमेंट अक्रॉस यूरोप एन आई पी एल की फुल फॉर्म NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने क्या किया है रिसेंटली इंटरनेशनल यहां पे आप देख सकते हो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एन पी सी आई है ठीक है जी इंडिया की एक बॉडी है उन्होंने क्या किया है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है एन आई पी एल एन आई पी एल क्या बोलते हैं एन पी सी आई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और एन का मतलब है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जितनी भी इंडिया में डिजिटल पेमेंट होती है किसके थ्रू होती है एन पी सी आई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी एन आई पी एल ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड लाइन के साथ ताकि यूपीआई पेमेंट सारे यूरोप में भी हो सके ये आपस में कोलेबोरेशन हुआ है क्लियर है जी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर ये मैं हर बार बताता हूं बात पेमेंट एंड सेटलमेंट जो सिस्टम एक्ट आया था वो 2007 में आया था और उसके अंदर एनपीसीआई बनाया 2008 में कब बनाया जी 2008 में आप समझ गए होंगे कि क्या है ये Normally है एनआईपीएल ने अभी क्या किया है वर्ल्ड लाइन के साथ कलेबोरेट किया है कि हम यूपीआई पेमेंट यूरोप में भी करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्या बोला है इंडिया की जीडीपी जो पहले बोली थी उन्होंने अब उससे कम बोला है कि कम होगी 6.8 परसेंट जीडीपी ग्रोथ करेगा आईएमएफ अक्टूबर 2022 एडिशन जो उनका आया उन्होंने बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पहली बात तो ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट देता है ये कौन देता है आईएमएफ इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है 2022-23 -20 की वो 6.8 परसेंट होगी जो कि पहले उन्होंने बोला था 7.4 परसेंट अभी उन्होंने बोला कि पहले इंडिया बोला था कि 7.4 परसेंट से ग्रो करेगा अब बोला एट परसेंट से अगर आपने लास्ट वीक करंट अफेयर पढ़ा होगा आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक ने भी क्या बोला इंडिया पहले बोला था 7.5 से ग्रो करेगा अब क्या बोला है कितने से ग्रो करेगा 6.5 तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया ग्रो करेगा सिक्स और आई के अकॉर्डिंग सिक्स डाटा उन्होंने दोबारा रिलीज किया है अपना और आपको एक बात मैंने बताई थी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों ही एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर बने हैं जिसको बोलते हैं फोर में दोनों चीजें तभी बनी है वर्ल्ड बैंक भी और आईएमएफ भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बनी है 1944 गूगल इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप्स बेल्ट फॉर क्लाउड गेमिंग गूगल इन पार्टनरशिप विद एसर एंड लिनोवो इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट क्रोम बुक्स दैट वर बिल्ड फॉर क्लाउड गेमिंग अंडर द पार्टनरशिप थ्री न्यू क्रोम बुक्स इंक्लूडिंग एसर क्रोम बुक ए एस यूएस क्रोम बुक वाइब सी एक्स फिफ्टी फाइव फ्लिप एंड आइडिया पैड गेमिंग क्रोम बुक फ्रॉम लिनोवो तो जनरली क्या है क्लाउड मैंने आपको समझाया था जहां डाटा स्टोर होता है तो ऐसे क्लाउड गेमिंग शुरू करने जा रहा है गूगल तीन लैपटॉप कंपनीज के साथ मिलके एसर एएसयूएस एंड लिनोवो। लेवर कप 2022 टेनिस टीम वर्ल्ड्स विंस द टाइटल लेवर कप किस चीज से रिलेटेड होता है टेनिस टीम वर्ल्ड हैज won द 2022 लेवर्स कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इवेंट हेल्ड ऑन इंडोर हार्ड कोर्ट एट द ओ2 एरिना इन लंडन इंग्लैंड जो लेवर कप हुआ लंदन में उसको किसने जीता है टीम वर्ल्ड टीम वर्ल्ड ने उसको जीता है द दो हजार बाईस लेवर कप वॉज ऑफ लेवर कप मैन टेनिस टूर्नामेंट बिटवीन प्लेड बिटवीन टीम फ्रॉम यूरोप नेम्ड टीम यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम वर्ल्ड जनरली ये जो टूर्नामेंट होता है ये किन के बीच होता है टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड तो इसको किसने जीता है एक में यूरोप के प्लेयर एक में वर्ल्ड के बाकी देशों के तो टीम वर्ल्ड ने इसको जीता है टीम यूरोप वॉज हेडेड बाय कैप्टन जॉन बॉग टीम वर्ल्ड वॉज हेडेड हेडेड बाय कैप्टन जॉन मैकनोर दिस वॉज द फाइनल मैच प्लेड बाय रॉजर फेडरर एज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर विद द लॉस एंड डबल्स मैच वो आप सारा देख लीजिएगा तो याद रखना टीम वर्ल्ड ने इसको जीता है लेवर कप क्या होता है जनरली ये टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच में होता है वर्ल्ड अर्थरेटिस डे 12 अक्टूबर इटस तमिलनाडु नोटिफाइज इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड सिलेंडर लॉरेसिस सिलेंडर लॉरेसिस के लिए क्या बनाई गई है जी इंडिया ने पहली फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड सिलेंडर लॉरेसिस आप यहां पर देख सकते हो जी इस चीज की बात हो रही है सिलेंडर लॉरसिस ठीक है जी इस चीज की बात हो रही है इसके लिए पहली सेंचुरी बनाई गई है ठीक है जी सिलेंडर लॉरेस के लिए पहली सेंचुरी बनाई गई है और वो कहां पे बनाई गई है जी क्या न्यूज है अब न्यूज पे चलते हैं आपने देख लिया होगा तमिलनाडु नोटिफाइज इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड सिलेंडर लॉरिसेस मतलब इसको ये एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई की एक रेड लिस्ट होती है मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है और रेड लिस्ट की कैटेगरी में स्पीशीज को रखा जाता है जैसे एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड वलनरेबल नियर थ्रेटेंड तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है सिलेंडर लॉरेस तो इसके लिए इंडिया में एक सेंचुरी बनाई गई है पहली कहां पे जी तमिलनाडु में तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड द कैडावूर सिलेंडर लॉरेस सेंचुरी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंचुरी इन इंडिया ठीक है जी और इसकी क्या स्टेटस है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है एक ये क्या है जी एंडेंजर्ड स्पीशीज इसकी जो लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है पंद्रह साल इसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है जी पंद्रह साल और ये एक ऐसा मैमल है जो कि कहाँ पाया जाता है इंडिया एंड श्रीलंका इंडिया एंड श्रीलंका में ये पाया जाता है आप ये देख सकते हो ठीक है जी सिलेंडर लॉरेस ठीक है जी इंडिया और श्रीलंका में ये पाया जाता है एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है आई आईयूसीएन के अंडर जाता है तो इसकी सेंचुरी बनाई गई है इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको बचाने के लिए और वो कहां बनाई गई है तमिलनाडु चलिए जी आगे गोल्डन जुबली ऑफ पिन कोड आपको पता है कि जो पिन कोड होता है जिससे क्या है इजी होता है हर जगह का एड्रेस ढूंढना तो उसकी अभी गोल्डन जुबली मनाई गई है क्योंकि 1972 में वो शुरू हुआ था तो 50 साल हो गए हैं उस चीज़ को वहां के एडिशनल सेक्रेटरी ने वो शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन श्री राम बीका जी ने छः डिजिट का एक पोस्टल नंबर होता है पिन कोड नंबर होता है ठीक है जी पिन का मतलब है पोस्टल इंडेक्स नंबर कई लोगों को नहीं पता होगा कि पिन की फुल फॉर्म क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड के जरिए ही आपके घर पे पोस्ट होती है कोई चीज तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर उसकी अभी गोल्डन जुबली मनाई गई है गवर्नमेंट अकॉर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू डाटा सेंटर्स विद ओवर मेगावाट कैपेसिटी गवर्नमेंट ने क्या बोला है ऐसे डाटा सेंटर्स जिनकी कैपेसिटी पांच मेगावाट से ज्यादा है ऐसे डाटा सेंटर्स जिनकी कैपेसिटी पांच मेगावाट से ज्यादा है उनको क्या स्टेटस दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू डाटा सेंटर्स दैट आर सिचुएटेड इन डेडिकेटेड और डाटा सेंटर्स जो कि पांच मेगावाट से ज्यादा डाटा वगैरह स्टोर करते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का टाइटल दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज नाम है पावर एक्स क्या नाम है जी पावर एक्स मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सी बॉडी काम करती है सर्ट इन एमरजेंसी रिस्पांस टीम इन्होंने कलेबोरेट किया है पावर सी एस आई आर टी के साथ कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम डिजाइन एंड कंडक्टेड साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज नाम क्या है पावर एक्स फॉर वन नाइनटी पावर सेक्टर यूटिलिटीज टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है भाई टाइम्स हायर एजुकेशन ये जारी जारी करता है टी एच ई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है और वर्ल्ड में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का रैंक तो मिला है जी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को और इंडिया में अगर देखा जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे आई आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इसका सबसे पहला नंबर है इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में इसका रैंक अगर आप देखो तो इसका रैंक 251 से 300 के बीच में आएगा और ये इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो 300 के अंडर आई है मतलब 300 यूनिवर्सिटीज में एक ही यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो तीन ठीक है जी 75 इंडिया के इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में आए हैं ठीक है जी इस रैंकिंग में आए हैं और इंडिया फोर फिफ्थ मोस्ट कंट्री है जिसके इतने इंस्टीट्यूट आए हैं ठीक है जी फिफ्थ और सबसे टॉप पे यूनिवर्सिटी कौन सी है ऑक्सफोर्ड इंडिया बियर्स वर्ल्ड हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू लेड पॉइजनिंग ठीक है जी कहते हैं एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता लगा कि इंडिया पे सबसे ज्यादा बर्डन है किस चीज का हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन किस वजह से लेड पॉइजनिंग जो उनके खाने में लेड पाया जाता है उसकी वजह से जो लोगों के अंदर बीमारियां लगती है मतलब पॉइजन का काम करता है तो हेल्थ इश्यूज भी होते हैं इकोनॉमिक बर्डन भी ये बढ़ रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट और सी की रिपोर्ट क्या बोला गया द टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रन एक्सपोजर्स टू लेड पॉल्यूशन अंडर माइन द जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल ज्वाइंटली प्रोड्यूस्ड बाई यूनिसेफ एंड प्योर अर्थ इन्होंने एक रिपोर्ट दी है यूनिसेफ ने और प्योर अर्थ ने इंडिया के बारे में कि चिल्ड्रन एक्सपोजर्स टू लेड पॉल्यूशन इंडिया अकाउंट फॉर ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ ग्लोबल डेथ ड्यू टू लेड एक्सपोजर एवरी ईयर एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन आर विद एलिवेटेड ब्लड लेड लेवल्स ग्लोबली आपको पता है एक बार मैगी को भी थोड़ा सा टाइम के लिए बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें लेड के वो मुद्दा हुआ था कि इसमें लेड पाया गया है ठीक है जी तो वो भी एक इश्यू था पेंट्स वगैरह होता है तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है कि लेड यूज होता है आप लोग एक मुझे बात बताइए सिंपल आपके इंडिया में फूड को देखने के लिए कि फूड में क्या क्या चीजें हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं एफ एस एस ए आई इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ एस एस आई एक्ट कौन से ईयर में आया था 2006 कौन से ईयर में आया था एक्ट ये 2006 एफएसएसएआई एफ एस एस आई एक्ट कौन से ईयर में आया था? था देखो जी किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि रशिया कैसे यूक्रेन के किसी रीजन को इंडिपेंडेंट कह सकता है अब मैं आपको एक बात बता दूं उसने यह नहीं बोला कि यह आजाद है उसने बोला मैं अपनी तरफ से आपको रिकॉग्नाइज करता हूं कि आप एक अलग कंट्री हो समझ रहे हो ना अपनी तरफ से उसने रिकॉग्नाइज किया है कि भाई मैं तो आपको अलग मानता हूं दुनिया माने या ना माने तो ऐसे नहीं कि रशिया ने उसको आजाद करवा दिया या इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवा दिया रशिया कहता है मै मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूं कि आप आजाद हो यह वो ऐसा मैंने बोला था जो रशिया और यूक्रेन की बात थी इंडिया में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको रेगुलेट मतलब उनको देखने के लिए कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारा देखता है FSSAI, और इसके लिए एक्ट कौन से ईयर में आया था 2006 लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आपको सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट रिलीज करता है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की यह रिपोर्ट होती है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ठीक है जी जिसके अंदर वो मोनिटर करते हैं वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ पोल्यूशन सच एज मैमल्स बर्ड्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड फिश और उन्होंने बोला है एंड फिश हैव डिक्लाइन बाय 69 परसेंट ऑन एवरेज सिंस 1970 तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट एक सारी ये दी जाती है और उन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा जो आपका वाइल्ड लाइफ का या इन चीज़ों का डिक्लाइन हो रहा है वो लेटिन अमेरिका एंड द करेबियन जो ये एरिया है साउथ अमेरिका और जो करेबियन उसके राइट साइड में कैरेबियन सी पड़ता है वहां पे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है 94 तो ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आप याद रखना ठीक है जी कि जो वाइल्ड लाइफ होता है आपका या मैमल्स होते हैं एम्फीबियंस रिप्टाइल्स इनके लिए कहती है तो ये कौन रिलीज करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है पेपर में वर्ल्ड साइट डे अक्टूबर थर्टीन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक बात आप याद रखिएगा एक दुनिया में कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए दुनिया में एक कन्वेंशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यू एन सी सी डी ये कन्वेंशन नाइनटीन नाइनटी टू में हुई थी जब अर्थ सब्मिट हुआ था ये बात आप याद रखिएगा दुनिया में एक कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन जी नॉर्मल आपकी लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है मतलब जो उसकी फर्टिलिटी है वो खत्म हो रही है तो उसके लिए उसको बचाने के लिए कि कॉम्बैट डेजटिफिकेट डेजटिफिकेशन को रोकना है एक कन्वेंशन हुई थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजटिफिकेशन 1992 में विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इन हिमाचल प्रदेश ठीक है जी नरेंद्र मोदी जी ने ऊना और चंबा गए हिमाचल प्रदेश में और उन्होंने काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाए उन्होंने बल्क ड्रग पार्क का इनिशिएटिव किया ऊना में हिमाचल प्रदेश में ठीक है जी और आपने लास्ट वीक पढ़ा था कि उन्होंने एम्स का शुरुआत भी की है हिमाचल प्रदेश में ही ऑल्सो लेट द ग्राउंड वर्क फॉर टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चंबा हिमाचल प्रदेश परम कमरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट आई आई टी गुवाहाटी अभी रिसेंटली क्या है जो परम कमरूपा सुपर कंप्यूटर उसकी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है आई आई टी गुवाहाटी असम में ठीक है जी एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी नसम परम कमरूपा इज द स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इंडिया का टारगेट है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग इंडिया का मिशन है 2015 में चलाया गया था इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपको पहले भी हमने पढ़ा है परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम सीरीज चल रही है जो सुपर कंप्यूटर्स को यह एक अलग न्यूज है इंडियन शिप तर्कश टू पार्टिसिपेट इन इब्साम मतलब इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका इनकी एक एक्सरसाइज होती है ठीक है जी इनकी एक मैरी टाइम एक्सरसाइज होती है तो उसमें इंडिया के कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया है आई तर्कश रिचर्ड द पोर्ट ग्रेक्वेरा ऑल्सो नोन एज पोर्ट एलिजाबेथ इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में एक पोर्ट है वहां पे हमारा ये शिप गया और एक एक्सरसाइज करने वहाँ पे इस कौन सी एक्सरसाइज थी सेवंथ एडिशन था यह एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में होती है इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका आई से इंडिया बी से ब्राजील एस ए से साउथ अफ्रीका और यह मैरीटाइम एक्सरसाइज है समंदर में एक एक्सरसाइज होती है मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज तो इंडिया के कौन से शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया आई एन तर्कश और दो से यह एक्सरसाइज हो रही है आर बी आई कैंसल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन ऑफ एट नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज़ ये आपने याद नहीं करने कौन कौन से हैं इराक न्यू प्रेजिडेंट एंड पी एम इराक के नए प्रेजिडेंट और पी एम बने हैं न्यू प्रेजिडेंट बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद और नए पी एम बने मोहम्मद अल सुरानी क्लियर है बात इराक इराक को एंशंट हिस्ट्री में इराक को क्या बोला जाता था भाई किसी को पता है इराक को बोलते थे मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया, इराक को मेसोपोटामिया, ईरान को बोला जाता था पर्शिया, ईरान को पर्शिया, इराक को मेसोपोटामिया, और आप कई लोगों को पता नहीं होगा इंडिया को उस टाइम पे इंडिया का एक नाम और भी था सिंधु घाटी सभ्यता तो कहते ही थे इंडिया को मेलुहा भी कहा जाता था मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता इंड इंडिया चलो नहीं लिखते इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलूहा भी कहते थे यह बात याद रखना मेलूहा एंशियंट नाम किसका है इंडिया का ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन यूनिसेफ एंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पार्टनर्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी थ्रू क्रिकेट कुछ नहीं आपने याद करना आपको सिंपल याद रखना है कि रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने और यूनिसेफ ने आपस में पार्टनरशिप की है कि हम जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेंगे किसके थ्रू क्रिकेट के थ्रू दैट्स इट जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2022 में ऑस्ट्रेलिया में जहां 16 देश पार्टिसिपेट करेंगे क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे अक्टूबर फोर्टीन तो ये आपके थे जी लास्ट वीक के करंट अफेयर आप इनको डिस्कस कर लीजिएगा एक बार देख लीजिएगा दोबारा से ठीक है इसकी जो पीडीएफ है वो ब्राइट एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको अवेलेबल होगी आप लोग करंट अफेयर एक ही सोर्स से करिए एक ही नहीं करनी तो दो सोर्सेज से कर सकते हैं खुद आप अपने करंट अफेयर डेली के कहीं ना कहीं से नोट की करा कीजिए और फिर वीकली हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो आपकी दो दो बार रिवाइज होंगी चीज़ें क्लियर है पेपर से पहले फिर हम मंथली वीडियो डाल देते हैं आपको पता है फिर उसको रिवाइज करके चले जाओ करंट अफेयर का आज की डेट में होल्ड बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो करंट अफेयर आपने करना है छोड़ना नहीं है इसकी जो पी है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी ओके जी थैंक यू